प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के बाद आज यह परम सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर विराजमान है आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडे जी, राष्ट्रीय महामंत्री, हमारे विद्यमान अध्यक्ष आदरणीय श्री विक्रम मुखर्जी जी, आदरणीय धर्मदास कौशिक जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, आदरणीय सत्यनारायण उपासने जी और सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठजन उपस्थित हैं, मैं उनका आज इस अवसर में अभिनंदन और स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आप सभी प्रेस के मित्रों का भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व विष्णुदेव साय नए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी दिखा रहे थे जहां पर विष्णुदेव साय को किस तरीके से नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया, उन्होंने इस पद को ग्रहण करने के बाद में पार्टी को लेकर के क्या विचार रखे वो भी हमने आपको दिखाए। कुछ देर पहले संबोधित कर रहे थे विष्णुदेव साय मीडिया के सामने।